Hello everyone, today we discuss photosynthesis. This is very important topic from the first chapter of class 7 science. So students, आपको सबको पता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, दे ऑल नीड फूड फॉर देयर न्यूट्रिशन. और वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से. वी डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर आवर फूड रिक्वायरमेंट्स ऑन द प्लांट्स. बट डू यू नो हाउ प्लांट्स गेट फूड? वो कहाँ से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, कहाँ से उन्हें फूड मिलता है? दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. और वो कहाँ बनाते हैं? दे प्रिपेयर देयर फूड इन द लीव्स. दिस इज द रीज़न वाई वी कॉल लीव्स द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. लीव्स को हम प्लांट की फूड फैक्ट्री कहते हैं, या हम किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स. कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, एंड देन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, एंड देन दे प्रोड्यूस देयर फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और शुगर. राइट. तो डेफिनेशन ऑफ द प्रोसेस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो रॉ मटेरियल क्या हुए इस प्रोसेस के? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट जो है दैट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर द प्रोसेस. ठीक है. और क्लोरोफिलिक पिगमेंट होता है विच ट्रैप दिस सोलर एनर्जी. ठीक. और फाइनल प्रोडक्ट क्या हुए? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट हमें किस फॉर्म में मिलती है? ग्लूकोज की फॉर्म में. देन दिस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म एंड स्टोर्ड इन द प्लांट. नाउ वी डिस्कस ऑल दिस वन बाय वन. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं. सो दो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, उनकी सरफेस पे कुछ पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज स्टोमेटा. स्टोमेटा की ही हेल्प से प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं. ये पिक्चर्स दिखाई गई है ओपन स्टोमेटा की और ये क्लोज स्टोमेटा की. तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है. नाउ वाटर जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं. ठीक है. देन दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स ऑफ द प्लांट और स्टैम्स के थ्रू ये होता है. स्टैम्स में कुछ पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं. लीव्स तक वाटर पहुँचाती हैं एंड फाइनली जो लीव्स में फूड बनता है दैट फूड इज ट्रांसपोर्टेड अगेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब जो ग्रीन हमारी लीव्स होती हैं इट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज नोन एज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करता है कि जो सनलाइट की एनर्जी होती है दैट सोलर एनर्जी उसको वो ट्रैप करता है और इसकी ही प्रेजेंस में फिर हमारा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का. सो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस. वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये होता है. ठीक है. सो इन दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. जो सनलाइट की सोलर एनर्जी है उसे हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और फिर प्लांट जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स उससे बनाता है और उसको डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करता है. अब इम्पॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का? विदाउट फोटोसिंथेसिस लाइफ इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो ऑक्सीजन है विच इज़ रिलीज इन द प्रोसेस दिस इज़ वेरी असेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल. विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव. सो फर्स्ट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड सेकेंड फूड रिक्वायरमेंट भी हमारी फोटोसिंथेसिस से कंप्लीट होती है. सो दैट्स ऑल. आई होप आपको ये मजा आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. So thank you, take care, bye bye.